क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये लगा तेरी तो। केस मिले या ना मिले, इसका लॉस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर मिलना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर? और वो भी रोहित। अबे रोहित बस कर यार, अब वो मक्खी भी तुझ पे हंसने लगी यार। बड़ी मक्खी। क्या बात है, न्यू फैशन चपल कुमार? शट अप रोहित, एक तो पहले ही मेरे नए जूते चोरी हो गए और ऊपर से उस बेचारे मौलाना ने ये अपनी कलरफुल चप्पल उधार दी मुझे। अरे लेकिन गए कहाँ से यार? अरे मोती मस्जिद गया था और बाहर निकला तो ये मोजे छोड़ गया, इसे भी ले जाता। But इस चप्पल सूट यू यार। Specially lucky color, fluorescent orange. रीतो देखो ये बार बार ड्यूटी के टाइम मुझसे लिफ्ट लेना अच्छी बात नहीं है। माना कि मैं बहुत हेल्पफुल हूँ लेकिन आज मुझे बहुत काम है। काम? आपको? वो सिवाराम हलवाई है ना, उसका बेटा किडनैप हो गया है। दोपहर को स्कूल से लौट रहा था तो टर्नर बीच पे किसी ने उसको किडनैप कर लिया। ना बच्चा मिला, ना उसकी बैग, सिर्फ उसकी साइकिल मिली है। लेकिन ये बात मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को नहीं बताने वाला। खामखा बीच में टांगड़ाओगे और मेरे प्रमोशन पे ब्रेक लगाओगे। जाओ जाओ जा। टनल ब्रिज। साइकिल का बॉल बेयरिंग है तो इसका मतलब साइकिल यहीं गिरी होगी। बच्चे का नाम क्या था? गोविंद, फोर्थ स्टैंडर्ड में है, केवल राम हाई स्कूल में। तुझे कैसे पता? क्योंकि तुझे नहीं पता, मेरा कजिन उसी स्कूल में पढ़ता है। वो क्या है? बनाना वेफर्स। ये शायद टिफिन बॉक्स से गिरी होंगी। ये देखो ट्रेल। ध्यान से, ध्यान से, आराम से गाड़ी। घर गया था वैक्यूम क्लीनर बेचने, जब बाहर निकला तो मेरे ही जूते किसी ने क्लीन कर दिए। राम खिलावन यादव, कंबाला निगम से। कंप्लेन आया था कि लाइन खराब है। ओए ओए बेटा, व्हाट यादव, तू ठीक तो है? किसी का पानी है? हाँ ये लो बेटा, बताओ आगे क्या हुआ? और फिर ना मेरे फेस के आगे ऐसे कपड़ा रखा ना तो मैं ना बेहोश हो गया, और जब ना मुझे होश आया ना
लेकिन ये सर इस बैग में से भी कुछ ले लिया है। सिर्फ मेरे जूते ले गए। अजीब किडनैपर्स है, ना रैंसम, ना फोन, ना धमकी, और कुछ लिया भी नहीं, लिए तो बस जूते। लगता है कि आज जूते चुराई का दिन है। क्यों फरहान? मैं सोच रहा हूँ। I think वो वहाँ से भाग आया, इसलिए। चुप करो। पुलिस मैं हूँ कि तुम? यूनिफॉर्म के हिसाब से तो। चुप करो। तुम इसको यहाँ लेके आए ना? अब चलो जाओ। अब बाकी का सब मैं करूँगा। जाओ तुम, जाओ। एक मिनट। यस सर। यस सर। बच्चे को मैंने ढूंढ लिया है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। यस। 1 2 3 4 5 ये लो इसके पैसे। अरे वाह क्या बात है। थैंक्स मॉम। चॉकलेट मिल्क मामा। जस्ट हैव इट निकी। समझ में नहीं आ रहा, जूते चुराने के लिए कोई बेचारे बच्चे को क्लोरोफॉर्म क्यों सुंघाएगा? लगता है कि बहुत बड़ा गैंग है, जग्गू जूता चोरा और कंपनी। छोड़ो ना गाइस, इट्स हार्डली एनी के। चोर चोर चोर, यही देखो पैसे चुरा रहा है। निकी, व्हाट काइंड ऑफ अ बैंकर आर यू? आई एम गेटिंग बोर्ड यार गाइस। दो हफ्तों से हम लोग सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं। अगर कोई नया केस मिलता है ना, दैट विल बी कूल। एक काम करते हैं, फरहान के जूते ढूंढते हैं। फरहान, तुम्हारे जूते भी काले लेदर के थे ना? हाँ, काले जूतों पे काला जादू। क्या छो ते आ बढ़िया चले? हाँ धंधो एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया चले। आपका माल तो बहुत अच्छा बिकता है नी? हाँ क्या चाहिए भाई? ओ ब्लैक रिगालो। वो उधर लगा है, उधर। हाँ सब बोलिए। इसमें साइज 9 है आपके पास? हाँ है। छोटू ये ले। I 707 का 9 दे। साथ ही है ये लीजिए। ये वाले नहीं यार, वो जो लास्ट वीक तुमसे लिए थे ना, सेम कलर और सेम साइज, बिल्कुल ऐसे वाले। ये छोटू 707 वाला ना, आपने लास्ट वीक सेम ऐसे जूते लिए थे? हाँ भाई, किसी के घर गया था वैक्यूम क्लीनर बेचने। जब बाहर आया तो मेरे ही जूते किसी ने क्लीन कर लिए। 2 दिन नहीं हुए थे जूते लिए हुए। साला मेरा नुकसान और किसी और का फायदा। सर फिटिंग एकदम बढ़िया, आप चल के देख लीजिए। हाँ एकदम परफेक्ट है, आप बिल बनवा दीजिए। हेलो साकेत, तेरी क्लास में वो लड़का है ना गोविंद? हाँ हाँ वही जिसके जूते। अच्छा मेरी बात सुन, कल जब तू स्कूल जाएगा तो उससे पूछना कि उसने अपने जूते कहाँ से खरीदे थे, ठीक है? समझा ना? हाँ बाय। हाय, व्हाट्स अप? हाय। वो जो मेरे जूते चोरी हुए थे ना, वो मैंने परफेक्ट शू शॉप से लिए थे, और वो जो बच्चा किडनैप हुआ था गोविंद, उसके भी जूते वहीं से थे। और मैं एक और आदमी से मिला था जिसका सेम प्रॉब्लम है, उसी दुकान से जूता खरीदा और 2 दिन बाद चोरी।
और वो सारे जूते यही ब्लैक रिगेलो मॉडल थे। कंबाला पुलिस स्टेशन में भी दो केसेस रजिस्टर्ड है जूता चोरी के, और वो भी सेम मॉडल ब्लैक शूज। कहीं ये उस परफेक्ट शू शॉप वाले की हरकत तो नहीं बिजनेस बढ़ाने के लिए? वाओ, सीरियल शू स्टीलर। सीआईए अब ऐसे छोटे केस सॉल्व करेगा? रोहित भैया, केस तो केस होता है, बिग और स्मॉल। जैसे डिटेक्टिव डिटेक्टिव होता है, बिग और स्मॉल। लेकिन हमारी सबसे छोटी प्रॉब्लम ये है कि हम फाइंड आउट कैसे करें कि ये सारा गेम प्लान उस शू शॉप वाले का है। सोचते हैं। कुछ सोचो क्या? हाँ, किसी पे अगर नजर रखनी हो, फोन टैप करने से बेहतर क्या तरीका है? कैसे? मेरा नया एडवेंचर। आज हम हेडक्वार्टर्स में, मैं सबको बताऊंगा मेरा नया। ईशान एंड फरहान, ये सारे असाइनमेंट्स कल सुबह मेरे डेस्क पे। चेक दिस गाइस। ये है एक टेलीबग। इसमें हम यहाँ पे एक नंबर प्रोग्राम करेंगे जो कि मेरा सेलफोन नंबर होगा। उसके बाद ये वायर हम फोन के इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे और ये दो वायर्स फोन लाइन के मेन वायर्स के साथ जोड़ देंगे। उस फोन से जब भी कोई इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल होगी तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली इसमें प्रोग्राम किए गए नंबर पे फोन करेगा जो मेरा सेलफोन नंबर है। और फिर हम इस पे यहां बैठे बैठे आराम से परफेक्ट शू शॉप वाले की सारी बातें सुन सकते हैं। एंड दिस माई फ्रेंड इज कॉल्ड टेलीटैपिंग। यार ईशान, ऐसा एक और है क्या? मुझे अपनी मैथ्स टीचर के घर पे लगाना है ताकि सरप्राइज टेस्ट सरप्राइज ना रहे। हाँ, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? खबर है आयसन, चेक कर लूं? हाँ। एक सेकेंड। ना ना, चालू नहीं। अरे हाँ, ये तो डेड है। ठीक है, ठीक करो, चलो। क्या है? फोन। हाँ, ठहरो ठहरो। आओ। ए, सुनो। तमे तो बहुत नानू लागो छो, तुम तो बहुत यंग है। क्या बात कर रहे हैं सर जी, हमारा एज पूरा 22 है। गांव में एक लुगाई और दो छोटे छोटे बचवा भी है। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। अच्छा, चलो चलो, ठीक करो। ये तो मेरे ही जूते हैं, साइज 9। हाँ, ये मेरे ही जूते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम्हें? क्या लगा रहे हो उधर? हाँ, हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नया चीज है, कंपनी ने दिया है फ्री ट्रायल के लिए। बिलो बजट मीटर नहीं चाहिए, चलो निकालो, चलो निकाल दे थे, निकाल दे थे। सेठ बोला इसको लगाने से बिल आधा आता है। आपको नहीं मांगता तो अभी निकाल दे थे। एक मिनट, क्या बोला? इसको वापरेंगे तो बिल आधा आएगा। लगा लगा कर। हाँ।
यार ये फोन क्यों नहीं बज रहा है? मुझे तो लगता है इसने टेलीबग ठीक से लगाया ही नहीं है। तेरी तो रिश्ता रखना है ना तो फिर धनसुख भाई को भूलना पड़ेगा। फिर धवल भाई ने बोला कि धंधा तो करना ही है तो रिश्ता बिगाड़ने से तो प्लीज यार ये भाई भाई की बातों को बाय बाय बोलो। अगले कॉल का वेट करते मैं चलता हूँ यार, मुझे सैंसगिरी को कल असाइनमेंट सबमिट करना है। कोई खास खबर हो तो कॉल मी। रुको भैया मैं भी चलती हूँ कराटे क्लासेस के लिए। चलो ठीक है। लगता है आज का दिन ही खराब है। क्या हुआ? पंक्चर। तो अब? अब क्या? मुझे बस से जाना पड़ेगा। अभी तो मैं तेरा विकेट लेके छोड़ूंगा। तू क्या विकेट लेगा यार, तू बॉल ला। या मजबूत शॉट, क्या बात है। नेक्स्ट। हेलो मयूर भाई। अरे परेश भाई, सुबह से तुमको कितना फोन कर रहा हूँ मालूम? तुम्हारी वजह से उस रेगुलर मॉडल पे प्रॉब्लम आ रहा है पता है? गाइस कौन सा वाला? अरे भाई नवा वाला मॉडल। अच्छा वो काला वाला लेदर जूता? और क्या, क्या हुआ? अरे इतना फर्स्ट क्लास धंधा चल रहा है पर बीच में इसका प्रॉब्लम। तुम मिलो तो मैं तुमको बताता हूँ। तो आओ ना मेरे गोडाउन। मैं एक घंटे में तुमको गोडाउन पे मिलता हूँ, ठीक है? ओके ओके आओ। जो रेगालो शूज के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो वही शू ब्रांड है ना जिसके जूते चोरी हो रहे हैं। I knew it. मयूर देसाई अपने ही जूते चुराकर अपना बिजनेस बढ़ा रहा है and I'm sure ये उसका पार्टनर होगा। वो तो उसे फॉलो करेंगे तभी पता चलेगा। Come on guys, let's go. Come on. वैसे आपके जूते का कुछ पता चला? नहीं निकी। भाई साहब आप लोग भी अपने जूते का ख्याल रखिए, आजकल ये जूते। क्या कर रहे हो भाई? ये तो मेरे ही जूते हैं, साइज 9। हाँ ये मेरे ही जूते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अरे हाँ मेरे जूते की राइट लेस टूटी हुई थी और जिस मस्जिद से चोरी हुए वहाँ बाहर ऐसी मट्टी थी। पागल हो गए हो क्या? ये मेरे जूते हैं। अच्छा मैंने अंदर इंसोल में अपना नाम लिखा है, अगर नाम नहीं हुआ तो जूते तेरे। दिखाओ दिखाओ। ओए अच्छा बाबा क्या चाहिए तुम्हें? इतनी देर से मैं तेरे पीछे क्या तेरा ऑटोग्राफ लेने घूम रहा हूँ? मुझे मेरे जूते वापस कर। अच्छा मेरे बाप, अच्छा देता हूँ तुझे तेरे जूते। You see, old tricks always work. यही गाड़ी है ना? हाँ जूते के बंडल्स देखो ना।
लेके आए शाम? लेजर ट्रैकर। कूल ना? कूल मैम, साइंटिस्ट डैड होने का यही फायदा है। मूविंग गाइस। लेकिन मेरे जूते के साथ साथ तूने कंबाला के बाकी सारे ब्लैक जूते क्यों चुराए? सारे जूते नहीं, सारे जूते नहीं, मैंने केवल ये जूते चुराए हैं। ये लो तुम्हारे जूते। भैया, भैया। भैया, भैया, आप ठीक हो ना भैया? गाइस, यही वो जगह है। काम ना चले। अरे एक हफ्ते में इतनी सारी कंप्लेन और तुम्हें कहो चुके इत्तफाक छे। अरे ऐसा इत्तफाक होता है क्या? समझ में नहीं आता, पहले इस मॉडल ने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। देखो परेश भाई, ये सब मैं नहीं जानता, मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मेरे कस्टमर के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। अरे हर कस्टमर एक ही कंप्लेंट करता है कि तुम्हारा जूता को सोल खराब छे, तुम्हारा जूता को सोल खराब छे। बोलो अभी इसमें मेरी क्या गलती है? खरीदने से पहले तुमको माल चेक करना चाहिए था ना। एक तो ये टोटल पनवती मॉडल है, तुमको माल देने के बाद जो बाकी स्टॉक इस गोडाउन में पड़ा था वो चोरी हो गया, अब ऊपर से तुम्हारी ये खिटपिट। क्या बात छे? तो ठीक, अगले महीने से ना तुम भी कोई और रिटेलर को ढूंढ लो, मेरे को तुम्हारे साथ काम नहीं करना। अरे तुम भाई, नहीं करना काम तुम्हारे साथ। अरे क्या भाई, अरे धंधे में सब ऐसा होता है, समझो बात को। अरे आपस में संबंध है इतने अच्छे। परफेक्ट शू वाला, सारे जूते के हील्स टूट रहे। ये हील्स अपने आप नहीं टूट रहे, कोई ने तोड़ रहा है, शायद नाइफ से। ये देखो, सारे गम को लूज किया गया है और फिर वापस चिपकाया गया है। लेकिन कोई अपने जूते खुद क्यों खोलेगा? इसे कोई और खोल रहा है। मोची? मोची का काम इतना अनइवन नहीं होता है। कोई और है जो कुछ ढूंढ रहा है। एक मिनट, एक मिनट। ये लो, इसका भी सोल चेक कर लो। एक ही मिला, दूसरा तो वो लेकर भाग गया कल, बेवकूफ। लेकिन ये सोल तो इंटैक्ट है। भैया, क्या सच्ची आपने इसमें अपना नाम लिखा है? नहीं, वो तो सिर्फ उसे डराने के लिए बोला था। जूते में भी कोई अपना नाम लिखता है क्या? फरहान, वो आदमी कौन था? जरूर वही सीरियल जूता चोर होगा। क्या फरहान, तू एक आदमी को नहीं पकड़ सकता? गाइस, लेट्स जस्ट ऐड दिस अप। कोई है जो कंबाला में आए हुए सारे न्यू मॉडल रिगैलो शूज को चुरा रहा है और उन्हें खोलकर अंदर कुछ ढूंढ रहा है। लेकिन इतनी छोटी जगह है, क्या हो सकता है? ये देखो, करोड़ का हीरा,
₹100 के जूते में। हाँ, कर दिया है। गुस्सा करने से क्या फायदा? किसने बोला था बे उसे जूते में छुपाने के लिए? चुप, सब तेरी वजह से। कितना परफेक्ट प्लान था। अरे गधे, तेरे उस गेंद के गिरने की वजह से सायरन ऑन हो गया। मैं हीरा तो मिल गया, गेंद पुलिस को रखने दे। यार आसपास कोई जूता फैक्ट्री का गोडाउन है, मैं जाता हूँ। चल चल चल। यहीं पे तो रखा था मैं। तो गया कहां? उस डब्बे पे लिखा था धीरज होलसेलर कंबाला। कंबाला? हाँ, 20 करोड़ का हीरा, ₹800 के जूते में। क्या करें अब? करना क्या, ढूंढेंगे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों पे, रस्तों पे। अबे बनना था ज्वेल थीफ, तूने जूता थीफ बना दिया बे। मैंने तेरे इस गेंद की वजह से लेजर का सायरन ऑन हुआ था, वरना इससे मेरा टेंशन कम होता है यार। मेरा बढ़ता है। So the sebaceous glands secrete an oily dehydrocholesterol, which lubricates the skin. Idea है? क्या? मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंकना है। मछली? कांटा? यानी कांटे वाली मछली? क्या? नहीं नहीं, मैं ये वाले जूते नहीं दूंगा। Boys, last warning. देखो मेरे दोस्तों, अगर ये जूते चोरी हुए ना तो मैं घर पे जूते से पिटूंगा, तू डर मत। अगर तेरे जूते चले भी गए ना तो वापस आ जाएंगे।
तभी एक ट्रैकर से काम हो जाएगा। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर इस ब्लैक शू के अंदर कुछ हो तो शायद वो दूसरे जूते में भी हो। एक काम करो, मेरा जो ओरिजिनल लेफ्ट वाला है ना उसे भी चेक कर लो तुम लोग। ये ले। देखा, इसमें भी कुछ नहीं है। अब मैं ऊपर वाले को याद करता हूं और क्या। इंस्पेक्टर डीएल कुलकर्णी रिपोर्टिंग सर, आउटसाइड मोदी मस्जिद। सर मुझे लगता है ये जूता चोर जरूर पकड़ा जाएगा। यस सर, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा सर। यस सर। Started moving. Yeah, yeah, wo. Hey, chor, juta chor, hey, juta chor. Juta chor? Dam laga ke. Oh no. ट्रैकिंग डिवाइस के हिसाब से वो यहीं लेफ्ट में गया है। Oh no! निकी, तुम यहीं रुको। लेकिन मैं। अरे रोहित के लिए यार। फरहान, हेलो, हाँ, अरे हम लोग उसके पीछे ही हैं। अपना तिहारी फाटक है ना, उसके आगे एक लेफ्ट टर्न है। निकी रोड पे मिलेगी, ठीक है? बाय। लेट्स गो। लेट्स गो।
ट्रैकर के हिसाब से तो वो यही होना चाहिए। कौन हो तुम लोग? हाँ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? और ये हाथ में क्या है? ये वीडियो गेम है। दिखाओ। दिखाओ। मैं ट्रैकिंग डिवाइस है और जूते में लगा रखा। चलो वेरी स्मार्ट। अब तू बता कि तू कौन है और कंबाला में आए सारे न्यू मॉडल रिगैलो शूज को क्यों चुरा रहा है? बोलो क्या जानते हो मेरे बारे में? तुम लोग इस बीच में नहीं पड़ना। देखो ये पुलिस का केस है, क्रिमिनल केस है। चलो चलो भागो भागो भागो, तुम लोग भागो, चलो चलो। क्या है वो सूची? उसकी जेब से जो गिरा, क्रेजी बॉल। ये क्या देख रही हो? लास्ट वीक का न्यूज आर्टिकल जो मैं उस दिन पढ़ रही थी, मुंबई आर्ट गैलरी में नूर ए जहां डायमंड थेफ्ट के बारे में। ये रहा। पुलिस सोर्सेस क्लेम दैट द अलार्म वाज ट्रिगर्ड ऑफ बाय अ रबर क्रेजी बॉल बिलोंगिंग टू वन ऑफ द थीव्स। इसका मतलब वो आदमी उन्हीं डायमंड थीव्स में से एक था जो शायद जूतों में डायमंड ढूंढ रहा है। यानी कि खोदा चूहा और निकला पहाड़। ये कोई आम जूता चोरी केस नहीं है गाइस, इट्स अ बिग केस गाइस। यस गाइस यस, CIA इज ऑन ट्रेल ऑफ 20 करोड़ नूरे जहां डायमंड। हाई प्रोफाइल केस गाइस, हाई प्रोफाइल केस। ओए हाई फाई, सबसे ज्यादा लो तो तू ही हो रहा था इस जूता चोरी केस को लो प्रोफाइल बुलाकर। पर हमारे पास है क्या? Nothing. ईशान वो आदमी जिसने पहली बार मेरे जूते चुराए। लेकिन वो तो भाग गया। और जिसने तेरा जूता दूसरी बार चुराया था वो भी भाग गया। Exactly. Nothing. लेकिन कनेक्शन क्या है मुंबई के डायमंड थीव्स कंबाला में और वो डायमंड यहाँ कैसे पहुँचा? कुछ तो रीजन जरूर होगा। But what we can say safely is that वो लोग यहाँ हैं। इसका मतलब डायमंड भी यहाँ कंबाला में होगा। 20 करोड़ का डायमंड हमारे छोटे से कंबाला में। मुंबई के शू फैक्ट्री से 150 जोड़ी जूते डिस्पैच हुए थे कंबाला, जिसमें से सबसे पहले हमने धीरज होलसेलर के गोडाउन से चुराए थे 80 जोड़ी। बचे कितने? 70। राइट।
जिसमें से हमने चुराए या खोलकर वापस रख दिए। कितने जोड़े? 55 जोड़ी। लेकिन तू पूछ रहा है कि बता रहा है? दोनों। अब बचते हैं 15 जोड़ी। हाँ। अपना हीरा अगर कहीं है तो इन्हीं 15 जोड़ी में से किसी एक जूते के हिल में। सही है, लेकिन तू ये बताएगा कि ये 15 जूते की जोड़ियां हैं कहाँ? जब तू अपने जान बचाने के लिए आंख में चोली चोर पुलिस खेल रहा था ना, तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर वापस उस होलसेलर के गोडाउन में गया था। वहां उसकी बिल बुक से क्या मिला ये देख। अबे, इसका तो कंबाला में एक ही रिटेलर है, कोई परफेक्ट शू शॉप? यानी अगर वो जूते नहीं बिके हैं तो अपना हीरा कहाँ होगा? इसी दुकान में। वाह पावा, मेरे साथ रह के तू भी समझदार हो गया यार। पर हम परफेक्ट शू शॉप में फिर क्यों जाएंगे? क्योंकि जब मैं वहां पर गया था तो मैंने उन्हीं शूज का और भी स्टॉक देखा था वहां पर। हो सकता है वो हीरा उन्हीं शूज में हो। हेलो हेलो, ये सब मेरे दोस्त लोग हैं। हाँ, चलता है धंधा है ना। देखो एक्सक्यूज मी अंकल। हाँ बोलो अंकल। बाहर ये गाड़ी जो है ना, वो ग्रे वाली 1846 आपकी है? हाँ मेरी है। क्यों? ट्रैफिक वाले उसे टो कर रहे हैं। टो कर रहे? इसमें लाइटिश डार्क पर्पलिश पिंक और लेमन ब्लू नहीं है? हैं? मुझे तो वही चाहिए था। बाद में आएंगे। यही होगा, जाएगा किधर? बस तेरी बॉल एक दिन मरवाएगी हमें। तेरी बॉल। Yeah!
फरहान इज ओके। पांडवों में से एक हा? कौन अर्जुन है तू? अर्जुन है हा? बोल क्या ढूंढ रहा था पहले? याने अड्डे पे हाँ सूजी। हेलो ईशान, आई होप फरहान इज ओके। उसके मॉम का कोई फोन नहीं आया ना, पूरी रात बाहर रहेगा तो। नहीं सूजी, एक्चुअली फरहान के मॉम डैड आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए तो ये काम वो कर रहा है। ओके बाय बाय। कितने जोड़ी जूते थे दुकान में? 14, यानी कि एक कम। इसका मतलब दुकानदार ने लास्ट मिनट में किसी को बेच दिया होगा। हो सकता है। लेकिन बाबा, अगर इन 15 में भी हीरा नहीं है तो तूने मुझसे झूठ बोला है कि तूने हीरा जूते में छुपा दिया। पागल है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या ढूंढ रहा था भाई जूते में? क्या गैंग है तेरी? हाँ, उस दिन तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े थे? क्या क्या जानता तू? बोल बोल। पांडे, अरे पांडे यार, सारा क्वेश्चन पेपर एक साथ सॉल्व करवा लेगा क्या? आराम से पूछ भाई। हाँ भाई बोल, क्या ढूंढ रहा था तू? नहीं एक्चुअली बड़ाओ के मैं जूते की कंपनी खोलना चाहता हूँ, इसलिए जूते खोल के देख रहा था कि कैसे बनते हैं। ये तो मैं। बाबा, इसको बाद में देखते हैं, चल माल ढूंढते हैं। चल। तो पता लगा लेता कि जूता लेफ्ट वाला है कि राइट वाला है, आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई होती। अंधेरे में लेफ्ट राइट देखता या पुलिस से बचता मैं? हां, इतना तो देख लेता कि जूते का साइज क्या था। बड़ों के साथ-साथ बच्चों के जूते तो नहीं जुड़ाने पड़ते। ओह नो, आखिरी जोड़ी ठीक है। बच्चे सिर्फ एक जोड़ी पांडे, वो जोड़ी जो गायब है ना उसी में हुआ। कहीं वो लड़का तू? हेलो फरहान, कहाँ हो तुम? कब से ट्राई कर रहे हैं? सूची, मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है और मुझे हीरा भी नहीं मिला। तुम लोग सारी जोड़ियां छान मारी, सिर्फ एक जोड़ी गायब है। बोल कहाँ है? बोल। मारे से। मैंने क्यों? इसने क्यों नहीं? हो सकता है वो हीरा इसी ने मारा हो।
और ये जो जूते की कहानी है वो एक नकली स्टोरी हो? हाँ पांडे, झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में विश्वास मत कर। अच्छा, जब मुझे बांध रहा था तो किसे फोन किया था चोरी छुपे तूने? किसे किया था? तो तू है इनके गैंग में से? तुम लोग सोच रहे होगे कि हम यहाँ कैसे? ये देख, है किसका फोन है? हेलो, कौन? हेलो, कौन है बताओ, वरना इस लड़के। मैं उसकी दोस्त हूँ। तो तू है इनके गैंग में से एक? देख, तेरा दोस्त है ना, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुझे तो पता है हीरा मेरे पास नहीं है। अब तू बता कि हीरा कहाँ है, वरना। नहीं 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 नहीं, वो हीरा हमें पता है, बस आप प्लीज मेरे दोस्त को छोड़ दो प्लीज। देखा, हीरा इनके पास है, चल हीरा लेके कल सुबह 9 बजे चाइना क्रिक पे आ जाना और अपने दोस्त को ले जाना। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, पुलिस को खबर करने की कोशिश मत करना, समझे? पर सूची ने ऐसा क्यों किया? उसने झूठ क्यों बोला? अगर फरहान को कुछ हो गया तो? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि हमें भी डायमंड के बारे में कुछ नहीं पता, तो कहां से लाएंगे हम डायमंड? मैंने उनकी बातें सुनी, उन्होंने सारे जूते चेक किए हैं, सिर्फ एक जोड़ी मिसिंग है। ग्रेट, अब हम 2 घंटे में वो एक जोड़ी जूते कहां से लाएंगे? एक जोड़ी जो ना तो उनके पास है और ना हमारे पास, ना ही वो शॉप में है और ना ही गोडाउन में, यानी किसी और के पास। लेकिन किसके पास? आई नो, वो आदमी जिसे फरहान भाई के जूते चुराए थे। लेकिन उसके जूते तो हमने चेक कर लिए थे। सिर्फ लेफ्ट वाला, राइट वाला तो उसके पैर में था, बस वो एक जूता बचा है। I'm sure डायमंड उसी में है, लेकिन वो तो भाग गया। अरे वो एक जूता पहनकर कहां तक भागेगा? I'm sure उसने वो जूता निकालकर जरूर फेंका होगा। निकी, तुम दोनों ने उसको लास्ट कहां तक चेस किया था? Guys, जूता यही कहीं होना चाहिए। Let's search. तुम लोग सोच रहे होगे कि हम यहां कैसे? तो इसने हमें बता दिया है कि हीरा तुम लोगों के पास नहीं है। तुम लोग इसे बचाने के लिए हमें झूठ बोल रहे हो। वाह, क्या दोस्ती है! और इसने अपनी दोस्ती निभाने के लिए सोच के हमें बताया कि जूता यहीं कहीं होना चाहिए, तो इसे लेके हम यहां आ गए। लेकिन यहां तो तुम लोग भी आए हुए हो। वाह, क्या टीम है! लेकिन अब खेल खत्म, क्योंकि आखिरी जूता ये है और इसमें है। अरे
ईशान 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 फरहान सुची रोहित रोहित बहुत हो गया अभी तुम्हारा नाटक। तूने जूता फेंका ना, ले क्या ले क्या ले क्या चढ़ चढ़ उधार जूता नहीं गला काट दूंगा इसका मैं। भरजाओ मेरा हाथ नहीं जा रहा है पांडे। अभी तो जूता भी नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे दिख रहा है। वह जूता कहाँ है? ये लो जूता। जूते में हीरा? इम्पॉसिबल। कानून के साथ खिलवाड़? सर अगर आप कहें तो हम चेक करें। श्योर। शाबाश। ये तो तुम लोगों ने एक बहुत बड़ा केस सॉल्व कर दिया। तुम पांचों ने जो काम किया है उसे कोई और सोच भी नहीं सकता। सर मैं सोचने ही वाला था। अच्छा आप कब सोचने वाले थे? वो आपको सोच के बताएंगे। सॉरी सर।